press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज हम इंटरनल कंबसन इंजन और एक्सटर्नल कंबसन इंजन में डिफरेंस जानेंगे। फर्स्ट, आईसी इंजन में फ्यूल का कंबसन इंजन सिलेंडर के अंदर होता है, जबकि इसी इंजन में फ्यूल का कंबसन इंजन सिलेंडर के बाहर होता है। नेक्स्ट, आईसी इंजन कम स्पेस कवर करता है, जबकि इसी इंजन मोर स्पेस कवर करता है। आईसी इंजन लाइट एंड कॉम्पैक्ट होता है, जबकि इसी इंजन हैवी होता है। आईसी इंजन के लिए बॉयलर फर्नेस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आईसी इंजन डीजल और पेट्रोल इंजन होता है, जबकि इसी इंजन कोयले से चलता है, इसलिए इसको बॉयलर और फर्नेस की आवश्यकता होती है। आईसी इंजन आसानी से और क्विकली स्टार्ट हो जाता है, जबकि इसी इंजन को स्टार्ट होने में समय लगता है, जब तक कि स्टीम रेडी न हो जाता हो। आईसी इंजन का वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर इंजन सिलेंडर में वेरी हाई होता है, जबकि इसी इंजन का वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर इंजन सिलेंडर में बहुत लो होता है। नेक्स्ट, आईसी इंजन में फ्यूल का कंबसन इंजन सिलेंडर के अंदर होने के कारण यह वेरी नॉइसी होता है, जबकि इसी इंजन में फ्यूल का कंबसन इंजन सिलेंडर के बाहर होने के कारण यह बहुत साइलेंट होता है। नेक्स्ट, आईसी इंजन का थर्मल एफिशिएंसी 35-40% होता है, जबकि इसी इंजन का थर्मल एफिशिएंसी 15-20% होता है। थर्मल एफिशिएंसी क्या है? यह रेशियो है आउटपुट जो हम वर्क लेते हैं और इनपुट जो हम हीट देते हैं, इसी का यह रेशियो है, जिसे थर्मल एफिशिएंसी कहते हैं।